गद्दारी क्या कार्यकर्ताओं के लिए ज्यादा बड़ा मुद्दा होता है, वोटरों के लिए कम? ऐसा नहीं है, देखिए गद्दारी ये मुद्दा नहीं है जिस तरीके से, क्योंकि वो उठा रहे हैं, उठा के यही महाराष्ट्र की राजनीति, बात बोली जाए महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति अलग है और एक लिमिट के बाद उसको ना लोग बर्दाश्त नहीं करते। देखिए 91 में भी शरद पवार ने दो पार्टियां तोड़ी थी, जनता दल तोड़ी और शिवसेना तोड़ी, 95 में उनकी सरकार रिपीट नहीं हो पाई ना, और छगन भुजबल खुद चुनाव हार गए थे। उसी तरीके से लोकसभा में भी लोगों ने उसका जवाब तो दिया जिस तरीके से चीजें हुई उसका, लेकिन एक ही चीज बार बार भुनाई नहीं जा सकती, आपको आगे तो बढ़ना पड़ेगा। विधानसभा में आपको अलग तरीके से लोग देखते हैं, उस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। संविधान का नैरेटिव लोकसभा के लिए चल सकता है, आई थिंक कुछ खबर आ रही है। बिल्कुल बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें कि मुझे लगता है काउंटडाउन ही है, 17 मिनट अब तो मिनट एक एक करके यहाँ पर गिने जाएंगे, क्योंकि उसके बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे महाराष्ट्र झारखंड का। और मुझे लगता है कि अगर लोकसभा के बाद हरियाणा पर सबसे ज्यादा नजर की, तो ये चुनाव इसलिए दिलचस्प है क्योंकि तमाम पार्टियां यह आरोप बीजेपी पर लगाएं कि उनकी पार्टी को उन्होंने दो फाड़ कर दिया, लेकिन जनता किसको विरासत सौंपती है। ये मंदिर पहुंचे अब संजय निरुपम, जो खुद इस बार चुनावी मैदान में है, हाल तक कांग्रेस पार्टी का दम भरते थे, लेकिन इस बार शिंदे गुट में शामिल होकर एकनाथ शिंदे के टिकट पर वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। पहले बीजेपी भी जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फाइनली फिर भाई देखिए वहां पर क्या ना, एडजस्टमेंट के बहुत चांसेस है। अगर बीजेपी नहीं हो सकता तो आप शिवसेना जा सकते हैं या फिर आप एनसीपी भी जा सकते हैं, तो महाराष्ट्र में एडजस्ट करने के आपके पास बहुत चांसेस है। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो 6 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, तो 6 में से आप कहीं भी जा सकते हैं। महाराष्ट्र पर डिबेट करना इतना मुश्किल है, पार्टियों के नाम बोलते बोलते ही आदमी गेस्ट इंट्रो करते करते ही थक जाता है। डिंडोशी सीट से वोट डालते डालते वो बड़ी चीज, डिंडोशी सीट से वो चुनावी मैदान में है, और उद्धव ठाकरे गुट से वहां पर सुनील प्रभु उनके सामने है। दिलचस्प ये भी है, कई जगहों पर मुझे नहीं पता श्वेता साहिल आप लोगों के साथ कितना हुआ, लेकिन कई लोग जो ये कहते थे एनसीपी गुट में कि शरद पवार के लिए वोट करेंगे, तो मैंने उनसे पूछा चुनाव चिन्ह क्या है, तो कहते थे घड़ी। तो तुतारी उनको मिला है, ये कई लोगों को बहुत देर तक पता ही नहीं हुआ, तो मुझे लगता है इस चुनाव तक पता नहीं है। वहीं शिंदे साहब के लिए जब मैंने पूछा तो उनका, दो महिलाएं मुझे मिली दगडूशेठ मंदिर के सामने पुणे में, तो गणपति जी के मंदिर के सामने, मैंने पूछा किसको, तो शिंदे, क्यों, तो अच्छे हैं। मैंने कहा कौन सी पार्टी से लड़ रहे हैं, तो मुझे देख के स्माइल करने लगे। मैंने कहा उनका चुनाव चिन्ह क्या है, फिर स्माइल करने लगे। अब ये मामला मतलब नहीं, कंफ्यूजन तो है, और पता करके जाएंगी कि मुझे घर में की या लुकअप करके कहीं। घड़ी और धनुष्य बाण है ना, जो उनका स्ट्रॉन्ग इलाका है ना, वहां पर लोगों के मन में घुस चुका था, जहां पर उनके वोटर है, तो वहां पर है ना कैंडिडेट भी असर नहीं करता है, बस वो लेकिन लोकसभा में तो हुआ ना, मतलब लोग पहचाने कौन सा क्या, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई उसी के वजह से चीजें बदल जाए करके। आखिरकार आप कैंपेन किस तरीके से करते हो, मेरे ख्याल से शरद पवार ने अपनी पार्टी का सिंबल ज्यादा ठीक तरीके से पहुंचाया उद्धव ठाकरे से ज्यादा, उनको ये बाद में समझ में आया। इसके लिए इस बार का शिवसेना यूबीटी का पूरा कैंपेन जो है ना, वो मशाल के आसपास करने की उनकी कोशिश थी कि भाई हमारा अभी जो सिंबल है वो मशाल हो चुका है करके। अब वो मशाल कितनी जलेगी वो हमको देखना है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी तो ये रही उसमें लोकसभा में, लेकिन अब उनको पूरी तरीके से जलना होगा। हालांकि ज्यादा बड़ा प्रहार था शिवसैनिकों पर, क्योंकि बाकी छोड़िए बाकी पार्टियों के तो कार्यकर्ताओं के नाम भी बदल जाते हैं, ये तो दोनों धड़ों के शिवसैनिक ही कहलाते हैं। देखिए क्या है ना, इस बार की वजह से ना, अब तक हम लोग किसी पार्टी को लेकर जो एनालिसिस करते थे उसको नए सिरे से करने की जरूरत आ पड़ी है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अपने दर्शकों को बताते हुए 15 मिनट का इंतजार है इस वक्त की उत्सुकता, हम भी आप जो आपके मन में है वही टीवी पर भी दिख रहा है, क्योंकि अब सिर्फ 14 मिनट का इंतजार है। 14 मिनट का इंतजार है, महाराष्ट्र झारखंड की सीटों का ऐलान। जैसा हमने आपको बताया, प्रियंका वाड्रा पहली बार चुनावी राजनीति में उतर रही है, तो उनका भी वायनाड सीट, हालांकि उसको भी बड़ा स्पष्ट ही कहा जा रहा है कि क्या होगा, लेकिन जब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा अगर दोनों पहुंच जाते हैं संसद में, तब क्या होगा वो भी सोच रहे होंगे बीजेपी। मुझे लगता है एक कमी रह गई है, क्या वाड्रा को भी लेकर के आ जाना चाहिए, तो पूरा परिवार कंप्लीट हो जाता, और जो भागीदारी राहुल गांधी कहते हैं ना, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी साझेदारी, तो मुझे लगता है कि पूरा गांधी परिवार जो है एक ही साथ संसद में होता, तो मुझे लगता है ये इससे बढ़िया पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का कोई नमूना मिल नहीं सकता था। एक बात मैं जिक्र करना चाहता था कि देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव हो या झारखंड का चुनाव हो, जो पार्टी नैरेटिव सेट करती है वो पार्टी चुनाव जीतती है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी गलती ये रही हुई कि राहुल गांधी के सवालों का वो जवाब देते गए, इस चुनाव में उन्होंने अपने सवाल खड़े किए हैं, अपना एजेंडा सेट किया और शुरू से एजेंडा सेट किया। एक बार योगी आदित्यनाथ जी ने बटेंगे तो कटेंगे सेट किया, तो वो नारा ऐसा चला कि महामंत्र की तरह वो निकल करके सारे गलियों तक पहुंचता गया, और बाकी फिर विकास का, जिसको कहते हैं
एक कोई आपका एजेंडा होना चाहिए जो आपको एंकर रोल में हो, और बाद में एक ही चीजें तो आपको चुनाव नहीं जिताती हैं, लेकिन कोई एक एंकर फॉर्मूला, एंकर की भूमिका जरूर कोई एक, कोई एक मुद्दा होता है जो लेकर के जाती है। है यूपी हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, लेकिन अभी तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय चलते हैं, ऐश्वर्या वहां से जुड़ी हुई है, बताएं ऐश्वर्या, जलेबी छनने की तस्वीरें आपने दिखा दी थी, बाकी क्या यहाँ पर व्यवस्था है? कार्यालयों को देखकर, मुख्यालयों को देखकर भी बहुत अंदाजा लगता है उस कॉन्फिडेंस का। देखिए मैं आपको बता दूं श्वेता, फिलहाल तो बस तैयारी की जा रही है, क्योंकि जब काउंटिंग शुरू होगी उसके बाद ये देखा जाएगा कि किस तरीके से, अगर ढोल नगाड़े बुलाने हैं, किस तरीके से इनको प्रिपरेशन करनी है। मैं आपको बता दूं स्टैंड बाय के तौर पे लोगों को बोल दिया गया है कि वो तैयारी कर ले, लेकिन फिलहाल जो आपको तैयारी यहां पे नजर आ रही है वो ये छनती हुई जलेबी की ही है। कहीं ना कहीं कोशिश यही की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये बताने की कि जो 2024 के चुनाव में हुआ उसके बाद पूरी काया पलट हो चुकी है। अगर हरियाणा का चुनाव देखें उसमें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई थी, की बात करें उसमें इस समय पार्टी को लगता है, और कहीं ना कहीं जो टॉप लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे पार्टी के जो बाकी जो नेता हैं, उन सभी लोगों का यह मानना है कि 2024 के बाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में जोश आ गया है और वो आपको रिजल्ट में नजर आएगा। तो फिलहाल यहाँ पे तैयारियां जो है वो खाने की ही है, और जलेबी से एक कड़ा मैसेज भी भेजने की कोशिश की जा रही है। देखिए संसद का सत्र मंडे से चालू हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि पूरा जितने भी मुद्दे चल रहे हैं उन सबको लेकर विपक्ष बहुत आक्रामक होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक हम यूनाइटेड है और हम कहीं पर भी वीक नहीं हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी इस समय जो बताने की कोशिश कर रही है वो इन तैयारियों से यही कोशिश कर रही है। श्वेता, तस्वीरें आप बीजेपी मुख्यालय की देख रहे हैं, और गुहाना की जलेबी बार बार कांग्रेस पार्टी को याद दिलाने, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर अभी से ही बयानबाजी शुरू हो गई है। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि हम लोग उनको सीरियसली नहीं लेते हैं, हम उनको मनोरंजन के लिए देखते हैं। ऐसे में क्या संविधान वाला मुद्दा महाराष्ट्र में इस बार भी राहुल गांधी की तरफ से, क्योंकि वो संविधान लेकर साहिल पहुंचते थे, क्या वो फर्क डालता है मुद्दा, वो इस बार डाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं डाला है। मेरे ख्याल से संविधान का मुद्दा वो लोकसभा चुनाव तक ठीक था, देखिए विधानसभा में लोग अलग अलग सोचते हैं। आप देखो इस बार किसी भी नेशनल नेता को यहाँ पर महाराष्ट्र में चुनाव में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। प्राइम मिनिस्टर की भी क्या 2014 नवंबर तक रैलीज हुई, उसके बाद तो वो विदेश चले गए। अमित शाह ने तो आखिरी दो दिन रैली की ही नहीं। राहुल गांधी की सिर्फ 6 रैली हुई है, प्रियंका गांधी की सिर्फ 4 रैली हुई है। पूरा कैंपेन जो है ना वो लोकल जो नेता है उनके इर्द गिर्द पूरी तरीके से घूमता रहा, क्योंकि चुनाव लोकल है तो ध्यान भी पूरी तरीके से लोकल होना चाहिए, और इसीलिए पूरा चुनाव उस पर घूमता रहा। तो इसके लिए आपको काउंटर देना है तो भाई लाडली बहना का काउंटर देना पड़ेगा, आपको काउंटर देना है तो आप क्या पॉजिटिव चीजें लेकर आएंगे उसका काउंटर देना पड़ेगा। किसान के लिए आप क्या देखिए, सोयाबीन का भी इतना बड़ा मुद्दा था, क्या करेंगे सोयाबीन का इतना बड़ा मुद्दा था, कांग्रेस ने आखिरी हफ्ते में 7,000 रुपए प्रॉमिस किए जो उनके गारंटी कार्ड में भी नहीं था, गारंटी कार्ड उनका 10 दिन पहले आ गया। तो ये भी तो चीजें हो सकती थी, लेकिन हालांकि उसका असर कितना वो पेनिट्रेट कर पाए, 7,000 रुपए बोल पाए नहीं बोल पाए, वो सब तो हमें पता चल पाएगा कि लोग अभी भी उस पर वोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। संविधान पर तो वोट नहीं होगा, इतना पक्का है।